अस्सलाम वालेकुम, मैं अंसर पाशा यूट्यूब कोला से। तो आज मैं आपको कोरोना वायरस को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसके बारे में आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको दिन भर कम से कम 6 गिलास गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, दिन में चाय या दूध कम से कम 4 टाइम आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3, स्टीम आप लोगों को लेना बहुत ज़रूरी है। इसके ज़रिए से आपको सांस लेने में थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह आप एक बार इसको आज़मा कर देखिए, आप लोगों को ही पता चलेगा कि इसमें कुछ फ़ायदा है। और इसके साथ मैं और भी कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अपने आप को कोरोना वायरस की खबरों से दूर रखिए। इस मर्ज़ के बारे में आप लोग जितना जानना था जान चुके हैं। इस मर्ज़ से मरने वालों की तादाद जानने की कोशिश आप लोग ना करें, क्योंकि इसका स्कोर आप लोग जानना ज़रूरी नहीं है। मरने वालों की तादाद दूसरों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि दूसरों के दिलो दिमाग पर इसका जोर पड़ सकता है। क्योंकि इस तरह की खबरें सुनकर वो बीमार पड़ सकते हैं। और नंबर 3, इसको इंटरनेट पर ढूंढ ढूंढ कर जानने की कोशिश ना करें। इस खबर से आपके दिमाग पर जोर पड़ सकता है। नंबर 4, हमेशा कोरोना के बारे में जानने से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं और नर्वसनेस का भी आप शिकार हो सकते हैं। नंबर 5, कुरान मजीद या दीन की किताबें आप लोगों को पढ़ना चाहिए। बीवी और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे। और नंबर 6, आप बेफिक्र रहने की कोशिश करें, इससे आपकी तबीयत में इजाफा होगा जो अभी बहुत ज़रूरी है। और नंबर 7, व्हाट्सएप और फेसबुक की खबरों पर बिना मालूमात बिल्कुल भरोसा ना करें। अभी मैंने जो वीडियो में आप लोगों को बताया है उसे एक बार आप लोग ट्राई करिए ज़रूर, और डरिए मत। डर की वजह से ही बहुत सारे मौत हो रही हैं और वजह आ रही है कि कोरोना वायरस से आदमी मर गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग मत डरिए, डरने से कुछ नहीं होगा। आप लोग आराम से घर में सेफ रहिए और दुआ करिए, इंशाल्लाह इस बीमारी से हम सब लोग बाहर आ जाएं और सब कुछ ठीक हो जाए। तो और मेरी एक और गुजारिश है कि आप लोगों से कि आप प्लीज़ प्लीज़ मत डरिए, डरने से कुछ नहीं होगा, डरने से आप ही का नुकसान होगा, आप ही की मौत होगी। तो इस बात का ख्याल रखिए, इंशाल्लाह डरने वाली कोई बात नहीं है, इस बीमारी से हम लोग आराम से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस सिर्फ रमज़ान के महीने में ही क्यों आता है। तो लास्ट ईयर भी रमज़ान के महीने में ही आया था, तो इस बार भी 2021 को भी रमज़ान के महीने में ही कोरोना वायरस का जोर बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बंगाल में इलेक्शन थे तो वहाँ क्यों नहीं गया कोरोना वायरस? कुंभ मेला चल रहा है, वहाँ क्यों नहीं गया कोरोना वायरस? IPL मैचेस चल रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं गया कोरोना वायरस? सिर्फ हम लोगों को, गरीब लोगों को ही के पास क्यों आता है ये कोरोना वायरस? मर रहे हैं तो हम सिर्फ गरीब आदमी मर रहे हैं, कोई भी अमीर आदमी नहीं मर रहा है। कोई भी अमीर आदमी को ये महसूस नहीं हो रहा है कि गरीब आदमी की मौत हो रही है बिना ऑक्सीजन के। हॉस्पिटलों के पास सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हैं और वो इंसान की हालत ऐसी हो गई है कि बिना ऑक्सीजन के तो कई लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। और इस बात को कोई भी उठाने वाला नहीं है कि ऑक्सीजन के बंदोबस्त के लिए क्या किया जाए, और सरकार भी खामोश बैठी है कि कुछ नहीं कर रही है। दोस्तों, यह है हमारा हिंदुस्तान कि गरीब आदमी को मरने दो, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा चल रहा है हिंदुस्तान में। तो आप लोगों को से मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो जहाँ तक हो सके शेयर करें।